है तो फ्रेंड बुरा नहीं होता, फ्रेंड भी अच्छा होता है, बस आप अगर उसको गलत व्यू में ना लो तो फ्रेंड भी अच्छा है। हमारी मतलब बहुत अच्छी फैमिली है और हमें कभी इस चीज़ के लिए रोका नहीं कि वो लड़का है तो वो तुम्हारा फ्रेंड क्यों, तो वो अंडरस्टैंडेबल है। बिल्कुल, आपकी क्या राय भाई साहब? मीडिया देख रहे हैं हमारा जो खास कार्यक्रम है बोल दिल्ली बोल। एक बार फिर कनॉट पैलेस में हमारी टीम पहुंची है और कुछ बहनें बैठी हैं, एक भाई बैठा है। पूछते हैं कि आज वर्तमान के अंदर लव मैरिज सही है या अरेंज मैरिज सही है, और अरेंज मैरिज करते हैं तो क्या उसका भविष्य निर्माण सही रहता है या लव मैरिज का सही रहता है? सबसे पहले तो राम राम जी। जी राम राम। राम राम। ठीक हो? राम राम। राम राम। ठीक हो? राम राम जी। राम राम जी। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। ठीक हो सभी? सबसे पहले तुम, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ और राम राम बोलता हूँ और हाय हेलो करने की आदत नहीं हमें। ठीक है, आज एक मुद्दा बना हुआ है, लड़के लड़कियाँ लव मैरिज करते हैं लेकिन साल दो साल के बाद उनका तलाक हो जाता है, वो आपके सामने भी है। कौन सी सही है, लव मैरिज सही है अरेंज मैरिज सही है? दोनों अपनी अपनी जगह सही है, गलत कुछ भी नहीं है। सो गलती हमारी सोच की है एक्चुअली। वैसे तो नॉर्मली लव मैरिज को सब लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि वो अच्छी होती है, फैमिली के साथ होती है, तो फैमिलीज वगैरह अगर कुछ प्रॉब्लम होती है आपकी लाइफ में तो फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। बट अगर लव मैरिज में आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपको सपोर्ट नहीं करती, दैट्स वाई सबको लगता है कि लव मैरिज गलत है। बट अगर आप अंडरस्टैंडेबल हो, आप एक दूसरे को समझ सकते हो, तो लव मैरिज में कोई प्रॉब्लम नहीं। लड़का आपने मतलब किसी भी लड़की को ये कहता है कि मैं आपके लिए वो करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, मतलब वो पूरा दिखावा बड़ा करता, बड़े बड़े बंगले दिखाता, कोठी दिखाता, गाड़ी दिखाता, दिखावा अलग से, हालांकि जब उसका एक दो साल के बाद उसका रियल में उसका बैकग्राउंड पता चलता तो तब क्या कैसे बीतेगी उस पर? तो इसीलिए तो इन सब केसेस को लेकर ही तो अरेंज मैरिज को लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अगर अरेंज मैरिज होती है तो फैमिली जब कोई चीज़ किसी को ढूंढ के लाती है तो उसका पूरा फैमिली बैकग्राउंड, वो क्या करता है, कैसे रहता है, हर चीज़ देख कर लाती है। बट लव मैरिज में हम सिर्फ ऊपर से देखते हैं कि हम सिर्फ ये देखते हैं बंदा स्मार्ट है। ये बताए, लव मैरिज बेटर है या अरेंज मैरिज बेटर है? दोनों को एक एक म्यान में दो तलवार मत आना हो आप। अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज वो सही है ना फिर? हाँ बिल्कुल सही है वो। यही बात है भाई, अरेंज मैरिज है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यदि लव मैरिज करते हैं तो उसका जो आने वाला जो भविष्य है वो किस प्रकार से खराब होता है। अच्छा, जो लव मैरिज करते हैं उसका क्या क्या नुकसान है? नुकसान तो काफ़ी है अगर मतलब आप लव मैरिज में हो तो, क्योंकि आपको आप सिर्फ सामने वाले को सिर्फ इतने पे जज करते हो कि बंदा स्मार्ट है, थोड़ा बहुत उसके पास इनकम है, दैट आप इसी में उसके साथ अगर लव मैरिज करते हो तो वो आपकी गलती है, क्योंकि आपने नहीं देखा वो बंदा रियल में कैसा है, वो क्या सोचता है, उसकी सोच कैसी है। तो आगे जाके जब अगर आप दोनों की सोच मैच नहीं करती है तो आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आने लगती है, और फिर वो टूटते टूटते जब देन वो डिवोर्स तक पहुँच ही जाता है। तो ये सब नुकसान है लव मैरिज का, क्योंकि उसमें समझदारी नहीं होती। बिल्कुल, आप बताएं जी, लव मैरिज सही है अरेंज मैरिज? मेरे ख्याल से तो अरेंज मैरिज अच्छी होती है, क्योंकि वो फैमिली के सपोर्ट से होती है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फैमिली उस पर सपोर्ट करती है। आप जी? अरेंज मैरिज। लव मैरिज में क्या कमी है? ऐसी काफ़ी नए लड़के हैं वो लव मैरिज भी करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है उसका, देखा भी हमने भी, क्या बात है। बट मुझे लव मैरिज नहीं पसंद है ना, मुझे तो अरेंज मैरिज पसंद है। क्या फ़ायदे है अरेंज मैरिज? मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं और मम्मी पापा के पसंद से वो चीज़ें होती है, तो इसलिए मुझे मेरे अरेंज मैरिज। बात है, दिल्ली के अंदर आए हैं हम और ये सुना हमने, ज़्यादातर हमने यहाँ पर भी देखे हैं। एक बार कैमरामैन को भी कहूँगा कि घुमा करके एक बार अपने कैमरे को चारों तरफ एक बार दिखाए, कैमरामैन कहूँगा कि जो शादी से पहले जो फ्रेंडशिप होती है ना, उसको कहाँ तक आप सही मानते हैं? फिर शादी से पहले फ्रेंडशिप सही है गलत, उसका क्या निर्णय, क्या कहेंगे? फ्रेंडशिप तो हमेशा ही सही होती है, वो एक रिलेशनशिप की बात होती है, क्योंकि जब आप रिलेशन में होते हो और किसी और से शादी कर रहे होते तो वो रिलेशनशिप गलत साबित होती है। तो फ्रेंडशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अब जब अगर रिलेशनशिप भी बनाते हो तो अंडरस्टैंडिंग इतनी रखो, अपने आप को इतना मतलब उस सिचुएशन के लिए रेडी करके रखो कि आगे अगर ऐसी कोई बात होती है तो वो चीज़ आपको इफेक्ट ना करे। मतलब शादी से पहले रिलेशनशिप भी सही है? सही, देखो फ्रेंडशिप अपनी जगह सही है, रिलेशनशिप अगर आप उस वाले मतलब व्यू को लेके बोल रहे हो तो वो सब चीज़ें गलत है, अदरवाइज फ्रेंडशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेंडशिप बहुत प्योर होती है। अच्छा। तो फ्रेंडशिप अच्छी चीज़ है। तो फ्रेंडशिप के अंदर जो लड़का लड़की होते हैं उसको मित्र दोस्त ही कहना जरूरी होता है, जब वो प्योर आप कह रहे हैं कि प्योर है तो वो क्या एक दूसरे को जब भाई बहन नहीं बोल सकते, वो जब प्योर हैं तो आपने कहा कि वो प्योर हैं तो भाई बहन फिर बनने में क्या वो जाना, उसमें कोई नुकसान है फिर? भाई बहन बनने में नुकसान नहीं है, लेकिन हर कोई भाई नहीं होता। देखो एक मतलब बॉयफ्रेंड अलग चीज़ और फ्रेंड अलग चीज़ है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। बॉयफ्रेंड में क्या, जैसे आपने कहा कि प्योर ठीक है फ्रेंडशिप, वो फिर भाई में उसमें क्या फ़र्क है फिर?
देखो मेरा जो भाई है वो तो देखो मैं उससे हर सारी बात अपनी शेयर कर सकती हूँ, बट फिर भी कुछ चीज़ ऐसे जो मैं सिर्फ अपने फ्रेंड को बता सकती हूँ। मेरी मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है, तो फ्रेंड बुरा नहीं होता, फ्रेंड भी अच्छा होता है, बस आप अगर उसको गलत व्यू में ना लो तो फ्रेंड भी अच्छा है। हमारी मतलब बहुत अच्छी फैमिली है और हमें कभी इस चीज़ के लिए रोका नहीं कि वो लड़का है तो वो तुम्हारा फ्रेंड क्यों, तो वो अंडरस्टैंडेबल है। बिल्कुल, आपकी क्या राय भाई साहब? मेरी आपने सारी सुन ली, अरेंज मैरिज सही, लव मैरिज सही, भाई शादी से पहले फ्रेंडशिप करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, आपके क्या व्यूज़ इसके बारे में? मेरे व्यूज़ सिर्फ ये है कि अगर डिपेंड करता है उस सिचुएशंस पे और उस बंदे पे, अगर वो ठीक है लव, अगर वो उसको कोई पसंद है, अगर मान लो मेरे कोई लड़की पसंद है, अगर मैं उसके साथ कंफर्टेबल हूँ और मैं उसको समझ सकता हूँ, वो मुझे समझ सकती है, तो लव मैरिज भी बेटर है। क्योंकि अरेंज मैरिज में हम किसी को दो मिनट मिलने के बाद हमने किसी को जानते नहीं है, दो दिन बात होती है और हम उससे शादी कर लेते हैं। समझना किस टाइप में आपके मम्मी पापा भाई बहन घर पे। सुनो गुड़िया क्या नाम बता आपने? शारदा। शारदा आपने कहा कि मैं जो अपनी जो बात होती है वो अपने दोस्त को बता देती हूँ, अब रियल में सिर्फ एक पर्सन करता हूँ आपको, आपकी यदि कोई समस्या है, आप रिलेशनशिप में नहीं, आपके दोस्त आपका प्योर दोस्त है, आपकी बात कर रहा हूँ आपको, आपकी कोई ऐसी समस्या है जिसमें भाई ने सोल्यूशन नहीं किया, दोस्त ने किया हो, कोई एक भी समस्या है जीवन में ऐसी? ज़रूरत नहीं पड़ी कभी, ऐसी समस्या मेरे जीवन में आई ही नहीं। जो कोई ऐसी समस्या हो भाई, माँ बाप भाई बहन उससे बड़ी हो और वो दोस्त को बताई हो आपने? छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में होती है, बट फैमिली इज मस्ट इम्पॉर्टेंट, फ्रेंड इम्पॉर्टेंट है बट फैमिली से ज़्यादा नहीं। मैंने बस ये बोला कि फ्रेंड और फैमिली दोनों होने चाहिए, बट फैमिली जो है वो प्रायोरिटी है और फ्रेंड उसके नीचे आते हैं, तो फ्रेंड्स भी इम्पोर्टेंट है। आपने है जो एक पूरे देश के अंदर एक सोशल मीडिया पर भी मीडिया पर भी एक खबर वायरल हो रही है, रियल की हकीकत है, प्रियंका रेड्डी नाम सुना आपने, गैंगरेप बलात्कार किया है और फिर पेट्रोल छिड़क करके आग लगा दी गई है, क्या इसके ऊपर क्या व्यू है? मतलब उनकी मानसिकता उन लड़कों की, अभी तक भी हमारी माताओं बहनों को रिस्पेक्ट न देना, भाई उसकी जो एक्टिवा थी उसमें पंचर हो गया या उसका तेल ख़त्म हो गया, हेल्प करने की बजाय इतना बड़ा जो हादसा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देश में कैसे किस प्रकार से सुधार होगा गैंगरेप पर बलात्कार हो रहे हैं इसके ऊपर? जब तक वो अपने घर में नहीं देखेंगे ना कि उनकी माँ बहनें भी, उनकी माँ बहनों के साथ भी ऐसा होगा, जब तक वो नहीं सुधर सकते, जब तक उनके साथ उनकी माँ बहनों के साथ अगर ऐसा, मैं नहीं बोलना चाहूँगा ऐसा, बट अगर उनके जब उनको पता लगेगा ना ये चीज़ अगर हमारी माँ बहन के साथ होगी, जब उनके दिल पर जो बीतेगी शायद उन्हें समझ में आए। मतलब अगला व्यक्ति कोई गलत है तो उसके साथ गलत ही होगा, तो तब जाकर के सुधार होगा, मतलब ऐसे तो शायद नहीं होना चाहिए ना। वो लोग सोचते हैं कि ये जो उसकी बहन ने जो पापी है, जिन्होंने ये पाप किया है, उसकी बहन का तो कोई कसूर ना इसके अंदर? आपकी बात ठीक है, नहीं है कसूर, जब तक उनको ये रियलाइज नहीं होगा ना ये देश की सारी बहनें और माँ मेरी माँ बहन है, तब वो ऐसा नहीं सोचेंगे, तब तक इस दुनिया में ऐसा होता रहेगा। देश ने कानून, मतलब संविधान ने ऐसा कौन सा ठोस कानून बनाना चाहिए भाई बलात्कार गैंगरेप कम हो हमारे देश के अंदर? सजाए मौत ना, देखते ही शूट एंड ऑर्डर शूट का। अब आपकी क्या राय है? उनको तो बीच राय पे बिठा करके ना, पहले तो उन्हें अच्छे से पीटना चाहिए जूते चप्पल से। जी जितना दर्द उस लड़की के साथ हुआ है ना, उससे दोगुना दर्द उनको तड़पा कर देना चाहिए मौत से पहले, ताकि उनको ये रियलाइज होए कि हमने कानून, ऐसा कानून तो है नहीं, अब बस वो सजाए मौत दे दें, फांसी दे देंगे, मतलब किस टाइप में सजा मिलनी चाहिए उनको जल्दी से जल्दी चाहिए ना, ऐसा होना चाहिए, तभी ये देश सुधर सकता है, वरना नहीं सुधरेगा, ये ऐसा ही होता रहेगा। आपका जो कानून है ना, इस तरीके ठोस कानून हमारे देश में बनने चाहिए, ज्यादा नहीं कुछ एक दो, जब तक नहीं बने। मन आप सभी के मन में जब कोई ऐसा हादसा होता है, आपके मन में किस प्रकार की टीस होती है, कैसा दर्द होता मन में? जब आपके दिल्ली में भी निर्भया कांड हुआ था, आप सभी वाकिफ हैं उससे, कई कांड उससे बाद में, तो फिर आगे हमने सोचा कि एक कांड हो गया फिर रुक जाएगा, फिर एक पे एक आगे से आगे, और ऐसे दर्दनाक हादसे होते जा रहे हैं। ऐसे में हमें खुद से डर लगने लगता है कि हम अपनी माँ बहनों को बाहर किस तरीके से भेजें, किसके साथ सेफ माने हम। मान लो हमारी माँ बहन, हम सोचते भी कि हमारी बहन है, माँ है, वो आगे बढ़े, काम करे, शिक्षित होए, जॉब करे, बट हमें खुद को डर लग रहा है, कल मान लो कल किसका किसी को नहीं पता, कल कुछ हो जाए तो डर हमारा ही लग रहा है। अब लास्ट में बहन जी, आप तीनों क्या संदेश देंगे हमारे देश के युवाओं को, उन भाइयों को जो एक मान सम्मान करें हमारी बहनों का, माताओं का, भाइयों के लिए स्पेशली क्या संदेश देंगे आप अपनी तरफ से? सबको अपनी बहनें माने, मतलब अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करें, लड़की की इज्जत करना सीखें। बिल्कुल, आप क्या संदेश देंगे देश के सभी भाइयों को?
चलो कोई नहीं भाई, गुड़िया कम बोल रहे या थोड़ी कम पढ़ाई में कमजोर है या बहन जी आप क्या संदेश देंगे? कोई भी हो, किसी की मजबूरी का कभी फायदा नहीं उठाना चाहिए। रिस्पेक्ट करो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, हर किसी की रिस्पेक्ट करो और उन्हें सपोर्ट करो। आगे कभी मतलब ये ना हो कि आपकी वजह से उन्हें नहीं पता उन्होंने क्या किया, लेकिन उनकी वजह से सब लोग उनकी माँ को या बहन को जो भी बोल रहे, तो उनकी फैमिली को वो ब्लेम सहना पड़ रहा है। तो ऐसा कभी किसी के साथ मत करो कि आगे जाके आपकी फैमिली पर कोई उंगली उठाए। आप क्या संदेश? मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि जितने भी लड़के हैं बस वो सबको एक नज़र से देखे, अगर फ्रेंड है फ्रेंड की नज़र से। हम कभी किसी अपनी माँ को किसी गलत नज़र से नहीं देखते ना, तो ऐसा नज़रिया का चेंज सिर्फ अपनी सोच बदले, यहाँ से बदलो, ये अपना आप साफ हो जाता है। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए ग्राउंड मीडिया से। और भाई हमारा जो आज की जो खास जो वीडियो है बलात्कार को लेकर के, गैंग रेप को लेकर के, आज देश में जो प्रियंका रेड्डी का जो केस सामने आया, पूरे देश के सामने सबके दिल को हिला दिया है इस केस ने। तो आप बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ, अपनी मानसिकता को सुधारें, मानसिकता सुधरेगी तो दिल सुधरेगा और गैंग रेप बलात्कार जैसे जो पाप जो लोग कर रहे हैं वो कम होंगे। ग्राउंड मीडिया के लिए दिल्ली से मैं भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।